दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी क्यूज को लॉन्च किया गया है, जिसको यूज करके आप जो है कि यहाँ पे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही 2000 रुपए की राशि ले सकते हैं। तो किस प्रकार से इस क्यूज का यहाँ किया, किस प्रकार से जो है कि इस क्यूज का यहाँ पे जो है कि यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ जो है कि इस वीडियो में कम्प्लीट बतलाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो क्यूज को लॉन्च किया गया, उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करके सिंपली आपको इतना टाइप करना है MyGOV। इतना टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे आप सर्च कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल के आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे कि लिंक देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने सरकार जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि ऑफिशियल पेज खुल के आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहां पे देख पाने कि यहां पे काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से जो है कि यहां पे आप देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है काफी सारा ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है माइक्रोसाइट, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से यहां पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है क्यूज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे क्यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते, आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल के आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक लाइव क्यूज, तो सिंपली यहाँ पे इस क्यूज का नाम रखा गया है न्यू इंडिया क्यूज, तो सिंपली इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे कि 13 अप्रैल 2023 को जो है कि इस क्यूज को लॉन्च किया गया है, और इस क्यूज का जो है कि यहाँ पे वैल्यू 12 मई 2021 मतलब जो 2023 तक इस क्यूज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे कि इस क्यूज में जो है कि 10 क्वेश्चन है और 300 सेकंड्स के बाद जो है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तब जाके जो है कि यहाँ पे आप यहाँ पे 2000 रुपए की राशि ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे कि क्यूज को लॉन्च करने के लिए, यहाँ पे क्यूज को यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप प्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे कि इस क्यूज के बारे में बहुत सारा यहाँ पे जो है कि इंफॉर्मेशन बताया गया है, कैसे कैसे जो है कि इस प्रकार से यहाँ पे यूज करना है और क्या क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ जो है कि यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। इस प्रकार से जो है कि आपको यहाँ से रीडिंग कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है लॉगिंग टू प्लाई क्यूज का एक ऑप्शन, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी पासपोर्ट को क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो सिंपली यहाँ पे देख पाने की रजिस्टर वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आप जो है कि यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपना आईडी पासपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप आईडी पासपोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं, यहां पे देखने को मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन, यहां पे दो, तो सिंपली आप इस प्रकार से यहां पे लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल के आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है यहां पे जो कि 10 क्वेश्चन और 300 सेकंड में जो है कि यहां पे आपको जवाब देना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर का जो है कि यहां पे अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से ओपन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाता है स्टार्ट क्यूज का एक ऑप्शन, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने जो कि एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब यहां देख पा रहे हैं, हमारा यहां पे जो कि 5 मिनट यहां के जो कि 5 मिनट जो यहां पे टाइम दिया जाता है, यहां पे सेकंड मेरा चालू हो चुका है, और यहां पे देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, जो भी यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, और यहां पे इसका जो कि 4 यहां पे ऑप्शन दिया गया है, इस प्रकार से जो कि यहां पे किसी भी एक आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से जो कि सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे देना है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ 9 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिनिश क्यूज का एक ऑप्शन देख रहा है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल के आ जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है थैंक यू करके, जो कि यहाँ पे
हमें इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने जो है कि यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका जो भी पॉइंट बना होगा यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि इस प्रकार से बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ का जो है कि पैसा जो है कि डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर के नाम से जो है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट के यहाँ अनुसार आपको अपना नाम को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक नेम और अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, आपका जो भी IFSC कोड होगा तो सिंपली आपको इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक बॉक्स है, तो सिंपल आपको इस बॉक्स को टिकआउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है सबमिट, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आपका जो कि बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है, यानी कि आप जो यहाँ पे आप जीतते हैं तो डायरेक्ट जो कि आपके खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किसी भी तरह का यहाँ पे जो कि क्यूज को लॉन्च किया जाता है, तो इस प्रकार से जो कि क्यूज का फायदा आप उठा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे।